सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री दत्तात्रेय महाराज जी के अवतार दिन को निमित्त करके और व्याख्यान माला सत्र को निमित्त करके आज मैं भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की एक और दिव्य लीला को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो सर्वप्रथम अमोघ दर्शन देने वाले, चारों युगों में रहने वाले जो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी हैं, उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं और साथ में ही संपूर्ण गुरुकुल को स्मरण करते हुए सभी गुरुजनों के प्रति अपनी भावों को नतमस्तक करता हूं, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। तो आज श्री दत्तात्रेय महाराज जी की अनेक लीलाओं में से विशेष लीला को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने देवल ऋषि के गर्व को कैसे समाप्त किया, आइए आज इस लीला के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो सह्याद्री पर्वत पर देवल ऋषि आश्रम बनाकर निवास किया करते थे। तो देवल ऋषि एक अत्यंत तपस्वी ऋषि हैं। उन्होंने जान लिया था कि परलोक के जो इहलोक के सुख हैं वो अनित्य हैं सारे। धन अनित्य, संपत्ति अनित्य, कलत्र पुत्र इत्यादि जो है वो सारे अनित्य हैं। मैं परलोक के जो सुख हैं, परलोक की जो शक्तियां हैं, मैं उनको प्राप्त करना चाहता हूं। तो इसीलिए दैवी शक्तियों का साक्षात्कार करने के लिए देवल ऋषि क्या करते हैं, उग्र तपश्चर्या शुरू कर देते हैं। और उग्र तपश्चर्या शुरू करते करते, तपस्या करते करते एक एक दैवी शक्ति उनके अधीन होनी शुरू हो जाती है। देवल ऋषि बहुत सारी शक्तियों के मालिक हो जाते हैं, उनके अंदर तेज आ जाता है और उग्र तेज उनके अंदर प्रकट हो जाता है। उसके बाद जब देवल ऋषि के पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, तो देवल ऋषि के मन के अंदर अभिमान जागृत हो जाता है, अहंकार जागृत हो जाता है। देवल ऋषि मन में विचार करते हैं कि मेरे से ऊपर, मेरे से बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं। कौन इंद्र, कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु और कौन महादेव? अगर इस सृष्टि का कोई नियंता है तो वो केवल मैं ही मैं हूं, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। यदि कोई मेरे से ऊपर है तो मुझे खोज कर बतलाएं। ऐसा अहंकार देवल ऋषि के मन के अंदर जागृत हो जाता है। तो देवल ऋषि प्रतिदिन क्या किया करते थे कि काशी में जाकर गंगा के किनारे स्नान किया करते थे और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाते और सह्याद्री पर्वत पर आने के बाद जो देवल ऋषि हैं वो क्या करते हैं, उस मिट्टी को वहां पर स्थापित करते हैं और वहां पर संपूर्ण दिवस बैठकर तपस्या करते हैं, जिसके प्रभाव से वो मिट्टी जो लाकर रखते थे वो 3.5 हाथ लिंग के रूप में परिणित हो जाती थी, बदल जाती थी। कई वर्षों तक देवल ऋषि तपस्या करते रहे, स्नान करते रहे, काशी जाकर वहां से मिट्टी लाते रहे और शिवलिंग के ऊपर वो मिट्टी स्थापित करते रहे और पूरा का पूरा दिन वहां पर तपस्या करते रहे। और वो जो शिवलिंग था वो धीरे धीरे 3.5 हाथ बढ़ना शुरू हुआ। कई वर्षों तक देवल ऋषि ऐसे ही अपनी दिनचर्या में रहे और वो जो शिवलिंग तैयार हो रहा था वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आकाश को छूना शुरू हुआ, स्वर्ग तक पहुंचा, स्वर्ग का अतिक्रमण कर गया और शिवलिंग उसके आसपास इतनी ज्वाला रहती थी कि 12 कोस तक वहां पर उसके आसपास कोई भी परिंदा, कोई भी पशु पक्षी, मनुष्य बैठ तक नहीं सकता था। 12 कोस अर्थात 144 किलोमीटर वो शिवलिंग इतना बड़ा हो गया कि सारे के सारे देवी देवताएं उस शिवलिंग को देखकर भयभीत होने लगे, क्योंकि 144 किलोमीटर की परिधि तक कोई भी व्यक्ति उस शिवलिंग के पास नहीं जा सकता था, केवल देवल ऋषि को छोड़कर। और देवल ऋषि उस शिवलिंग के पास बैठकर तपस्या करते थे। जानिए कितना सामर्थ्य देवल ऋषि के अंदर आ चुका होगा। तो सारे के सारे जो सुरगण थे, गंधर्वादी देवताएं थी, उन्होंने स्वर्ग के अंदर सभा बुलाई जिसमें ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी बुलाया और सबने चर्चा मंथन किया कि यदि
देवल ऋषि इसी तरह से उग्र तपस्या करते रहे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इनको रोकना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने कहा कि देवल ऋषि पहले तो हमारे ही भक्त थे, किंतु इनकी भक्ति इतनी आगे चली गई कि हम तीनों को अतिक्रमण करके पता नहीं किस देवता के तक वो भक्ति पहुंच चुकी है। हम देवल ऋषि को रोक नहीं सकते। सभी देवी देवताएं चिंतातुर हुई कि देवल ऋषि को यदि नहीं रोका गया तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु महादेव ने निवेदन किया कि परमपिता परमेश्वर के अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी बद्रिक आश्रम में निवास करते हैं। यदि हम सभी बद्रिक आश्रम में श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पास जाएं, उनसे निवेदन करें, तो हमारी समस्या का समाधान परमात्मा ही कर सकते हैं। ऐसा आयोजन करके, नियोजन करके ब्रह्मा विष्णु महादेव सहित इंद्रादिक सभी देवताएं, गंधर्व, सिद्ध इत्यादि भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पास गए, जाकर प्रभु को प्रणाम किया और अपनी अर्जी परमात्मा के समक्ष रखी। देवी देवताओं ने कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी, आप परमात्मा स्वरूप हैं, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने कहा, कहिए ऐसी कौन सी समस्या आ पड़ी। तो देवी देवताओं के मुख्य ब्रह्मदेव ने कहा कि हे प्रभु, देवल ऋषि उग्र तपस्या कर रहे हैं और एक शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, जो शिवलिंग आकाश, इंद्र के स्थान स्वर्ग को भी छूता हुआ आगे चला गया है और उसके आसपास 144 किलोमीटर तक कोई भी पक्षी इत्यादि नहीं बैठ सकता, यहाँ तक हम भी उस तेज को सहन नहीं कर पा रहे हैं। यदि देवल ऋषि ऐसे ही तपस्या करते रहे तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप देवल ऋषि को रोकिए। श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने उन्हें सांत्वना दी, उपदेश किया, तो उपदेश करने के बाद सभी को भगवान जी ने जाने के लिए कहा। भगवान जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देवल ऋषि के उग्र तपस्या को शांत करता हूँ। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी बद्रिक आश्रम से सह्याद्री पर्वत माहुरगढ़, जहां पर आज भी ये स्थान उपलब्ध है, वहां पर आए और दत्तात्रेय महाराज जी देवल ऋषि के द्वारा बनाए हुए शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाते हैं। देवल ऋषि गंगा स्नान करके प्रतिदिन की तरह आज भी मिट्टी लेकर आए हुए हैं और आकर क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति मनुष्य वेशधारी मेरे शिवलिंग के पास बैठा हुआ है। देवल ऋषि ने जाना कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, ना तो ये देवी देवता हो सकते हैं, ना ही कोई सामान्य व्यक्ति हो सकते हैं, ये कोई परमात्मा स्वरूप परमेश्वर के अवतार हैं, नहीं तो मेरे तेज को कौन सहन कर सकता है। देवल ऋषि आगे गए, जाकर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के सामने बैठ गए। तो देवल ऋषि के मन में भाव आया कि इनको मैं अपना सामर्थ्य दिखाऊं, तो देवल ऋषि ने क्या किया, अपने हाथ में जो मिट्टी लाई थी, अपने हाथ को बहुत लंबा किया और शिवलिंग के ऊपर ले जाकर मिट्टी स्थापित कर दी कि मेरे अंदर भी पावर है, आप भी देखो। पर देवल ऋषि ये नहीं जानते कि जिसको सामर्थ्य दिखा रहा है वो साक्षात परमात्मा स्वरूप परमात्मा है, ईश्वर है। और देवल ऋषि के अहंकार को समाप्त करने के लिए श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने भी अपने श्री कर को बहुत लंबा किया और शिवलिंग के ऊपर रखकर उसको दबाना शुरू कर दिया। और जैसे ही परमात्मा ने शिवलिंग को दबाना शुरू किया, वो शिवलिंग जमीन के अंदर धसना शुरू हो गया। देवल ऋषि ने देखा कि अरे, मेरी इतने वर्षों की तपस्या आज विफल हो रही है, मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। देवल ऋषि झटपटाते हुए श्री दत्तात्रेय महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हुए, प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे इस शिवलिंग को आप स्मृति रूप में थोड़ा सा शेष रहने दीजिए। तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, तो 3.5 हाथ वो शिवलिंग बाकी बच जाता है। उसके बाद देवल ऋषि ने प्रभु से क्षमा याचना करी, प्रभु से माफी मांगी और प्रभु से प्रार्थना करी कि हे महाराज, जब तक आपका अवतार विद्यमान है तब तक आप माहुरगढ़ में आकर निद्रा का स्वीकार कीजिए और आपके साथ मेरा भी नाम जुड़ा रहेगा, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने प्रेममय स्वरूप के अंदर देवल ऋषि को तथास्तु कहते हुए आशीर्वाद दिया कि देवल ऋषि,
आज से ये जो शिवलिंग है ये तुम्हारी स्मृति रूप में यहाँ पर रहेगा, और मेरे स्पर्श होने से ये जो शिवलिंग है ये शिवलिंग आगे भक्तों के लिए नमस्करणीय स्थान भी बन जाएगा। उसके पश्चात देवल ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन हो गए, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। आज भी जो लोग माहौरगढ़ दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर देवल ऋषि के द्वारा बनाए गए शिवलिंग के की स्थापना वहां पर की गई है, जिसको श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने स्पर्श किया हुआ है। तो महानुभाव पंथीय, जय कृष्णी पंथीय सारे के सारे भक्तजन उस शिवलिंग को आज भी नमस्कार करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने देवल ऋषि के गर्व का हरण किया, और प्रभु के चरित्र से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अंत अवश्य होता है। जिसका आरंभ हुआ उसका अंत भी है। अभिमान किस बात का करें, द्रव्य संपत्ति और रिश्ते नाते यहीं से आकर प्राप्त किए, यहीं पर हमने छोड़कर चले जाने हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि प्रभु की भक्ति कीजिए, स्मरण कीजिए, आपस में प्रेम रखिए, प्रेम से वार्तालाप कीजिए, और ईर्ष्या द्वेष हमें नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की अद्वितीय दिव्य अद्भुत लीलाओं को लेकर पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी श्रोताओं के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। स्वीकार करेंगे, जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।